ओके, एक्सरसाइज 12B, ये भी कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो। अगर उनको यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप कमेंट में रखना। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि लाइक टर्म्स क्या है। तो ये जो 31x है, उसमें 31 इज़ द नंबर एंड x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो जो जो नंबर आपका x वाला है वो लाइक टर्म्स है, तो पहले वो सारे नंबर को एक साथ ला दीजिए। 31x माइनस 82x प्लस 11x, अब जो बाकी रहे नंबर्स वो साथ में डाल दो। तो ये मेरा क्या होगा, 31 माइनस 82 प्लस 41x विल गिव यू व्हाट, माइनस 40x प्लस 7 प्लस 5 क्या होगा, 12। मतलब इसका कैलकुलेशन साथ में करो और इसका, तो ये 12। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड सम, एक्स माइनस इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, माइनस वाई माइनस इंटू ब्रैकेट वाई माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 4y। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद लाइक टर्म्स पे जाओ, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ब्रैकेट ओपन जब आगे माइनस है, प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे माइनस है तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दो टर्म्स के बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं लेकिन साइन चेंज करना भूल जाते हैं। लेकिन माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स है उसके बीच की सारी साइंस चेंज होगी। तो अगर यहाँ पे एक्स है, एक्स और वाई के बीच में कौन सी साइन है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगी। फिर ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें अगेन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 3x माइनस 4y। एक्स और एक्स ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो पहले एक्स और एक्स साथ में लिख दो, एक्स प्लस 3x माइनस वाई माइनस 4y। सो इसमें कुछ भी नहीं है, तो 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, और एक्स माइनस 1 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 5 और ये वाई। सो दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे सबसे पहले ए स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिख दो, ए ए वाले टर्म साथ में लिख दो, और कोई भी वेरिएबल के बिना के टर्म्स जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं उसको साथ में ले लो। सो पहले तो मैं इधर डालूँगी 3a² माइनस 2a² प्लस 5a², मतलब मेरा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो इसमें ना बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो फिर कोई मिस नहीं होने चाहिए। उसके बाद मैं ए वाले टर्म्स माइनस a/2 प्लस 5/3a एंड प्लस 4a, तो मेरा ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। बचा क्या मेरा, प्लस 7 माइनस 8 प्लस 5। तो ये देखिए, ये मेरा एक लाइक टर्म्स है, मेरा ये एक लाइक टर्म है और मेरा ये है, ठीक है। तीनों का कैलकुलेशन अलग होगा। अब ये क्या है, 3a² माइनस 2a², मतलब कि 3 माइनस 2 क्या होगा, 1, 1 प्लस 5 क्या होगा, 6, और उसके साथ कौन सा वेरिएबल है, a², ठीक है, 6a². अब ये मैं माइनस करती हूँ और माइनस के हाथ में इधर ब्रैकेट लिखती हूँ। अब जैसे मैंने इसके पहले सम में बोला था कि अगर ब्रैकेट हो और आगे माइनस साइन है तो जितने भी टर्म्स होंगे उनकी सारी साइंस चेंज होगी। तो जब ब्रैकेट नहीं हो और आप ब्रैकेट बनाते हो, ऐसे कैलकुलेशंस ऑलवेज ब्रैकेट के साथ ही होंगे। आप ब्रैकेट बनाओ और सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको तो ऐसे ही लिख दो, ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, 6a² तो ऐसे ही उसको नीचे लेके आओ, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर यहाँ पे 6, ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे 6 इंटू 6, तो ये क्या होगा, 3a माइनस 10a माइनस 24a, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4। अब 6a²
माइनस 3a माइनस 10a क्या होगा, माइनस 7a, और माइनस 7a माइनस 24 वो क्या होगा, माइनस 31a अपॉन 6 प्लस 4। ठीक है, अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर कभी ब्रैकेट में नहीं होता है। सो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 6a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 31a अपॉन 6 प्लस 4, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। फोर्थ वन है 8 एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11 माइनस 2m। अब यहाँ पे फिर से माइनस है और ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख देंगे 8 एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 माइनस 6m स्क्वायर माइनस 11 प्लस 2m। देखिए ये सारी साइंस चेंज हो गई ब्रैकेट ओपन किया तो। अब लाइक टर्म साथ में ले लो, 8 एम स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m प्लस 5 माइनस 11, 8 माइनस 6 2m स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 माइनस m, 5 माइनस 11 इज व्हाट, माइनस 6 इज योर आंसर। नाउ x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2 इंटू ब्रैकेट, तो सबसे पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करो। सो x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3x क्यूब y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y क्यूब माइनस 2x क्यूब y क्यूब, और अगेन ब्रैकेट चेंज होगी और 2 तो दोनों के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना। अब लाइक टर्म्स, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या देखोगे, आप पावर देखोगे, तो 2 और 3 के पावर्स कौन से, एक ये है और ये 3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ये क्यूब क्यूब वाले पावर्स साथ में ले लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब ये और ये लाइक टर्म्स हो गए, सो 1 प्लस 3 क्या होगा, 4, 4 माइनस 2 इज वॉट, 2, 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ, देखो मैं वेरिएबल्स एक बार साथ में लेके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं कैलकुलेशन सिर्फ नंबर के साथ करती हूँ, और सिर्फ ये आ जाता है नंबर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, प्लस 3 माइनस 2 क्या होगा, 1, तो 1 तो लिखो ना लिखो सेम ही है, सो दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सम मतलब क्या, ऐड करना है, अब दो टर्म को प्लस करना है, पहले तो जैसे दो टर्म दिए हैं उसको पहले प्लस करो, ये आपका ये क्वेश्चन में ये स्टेप आपका एक एक्स्ट्रा है। अब तो जो दिया है वैसे ही कर लो, 7x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5y, 7 प्लस 3 क्या होगा, 10x प्लस 2 प्लस 5 क्या होगा, 7y इज योर आंसर। क्वेश्चन टू में भी 3a प्लस बी प्लस सी प्लस 4a माइनस 2b, 3a प्लस 4a प्लस बी माइनस 2b प्लस सी। ठीक है, 3 प्लस 4 7a, 1 माइनस 2 माइनस बी प्लस सी। थर्ड वन ऐड करो, तो पहले तो टर्म्स जो है वैसे ही लिख दो, प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z। अब x x को साथ में लिखो, 3x प्लस 2x माइनस 6y प्लस 4y प्लस 8z प्लस 6z। ये साथ में लिखने में ना कोई टर्म रह ना जाए, छूट ना जाए, वो ध्यान रखना है। 3 प्लस 2 क्या होगा, 5x माइनस 6 प्लस 4 क्या होगा, माइनस 2y, 8 प्लस 6 क्या होगा, 14z। थ्री ए प्लस 4b माइनस 15c प्लस 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 12b माइनस 7c माइनस 6a। ठीक है, ठीक है,
अब पहले तो ये ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 3a+4 भी एक स्टेप अगर ज़्यादा होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड ज़्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब अच्छी तरह से करना है। अब ए वाले सारे जो टर्म्स हैं वो साथ में लिख दो, 3a+6 है, -6 है। अब बी वाले जो टर्म्स है वो साथ में लिख दो, +4b+6b+12b। अब सी वाले जो टर्म्स है वो साथ में लिख दो, -15c-7c। 3+6 क्या होगा? 9। 9-6 क्या होगा? 3a। अब ये बी, +4+6 क्या होगा? 10। 10+12 क्या होगा? 22। +22b। -15-7 क्या होगा? -22c। फिफ्थ सम, 5b-2c+3-d+a+2b-c+d +2-d+3c+a। अब सबको प्लस, पहले लाइक टर्म्स ले लो, लाइक कौन से टर्म्स है वैसे देखने जाओ तो ए बी सी डी, ठीक है, लेकिन पहले ए को डाल दो, ये ए वाले टर्म्स को ले लो, सो ए प्लस ए। उसके बाद बी वाले टर्म्स ले लो, 5b+2b, बस दो ही है, c-2c-c+3c आ गया सारे। अब +3+2, ठीक है, उसके बाद -d+d-d+d-d, ठीक है। अब ये a+a, 1+1 क्या होगा? 2a। 5+2 क्या होगा? +7b। -2-1, -3, -3+3 क्या होगा? 0, तो सी का तो कोई टर्म आएगा नहीं। 3+2 क्या होगा? 5। -1+1 क्या होगा? 0 और -d। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे भी पहले ए ए टर्म्स वाले लेके आओ साथ में, सो 3/2a-1/4b+5/3+-b+3/8c-8/15-5/4a+3/5b-c+1/5। देखो अब यहाँ पे आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन होगा कि ये मैम ने क्यों इधर डायरेक्ट माइनस साइन चेंज नहीं की, और क्योंकि हम क्या है प्लस ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सपोज़ यहाँ पे प्लस के बाद कोई भी ब्रैकेट डालूँ उसकी साइन चेंज नहीं होगी, तो मतलब अगर मैं ये दो टर्म्स के बीच में अगर प्लस डाल रही हूँ तो फिर भी ये जो सारी साइंस है वो वही रहेगी, इसलिए मैंने वही लिख दिया, ठीक है। सो पहले तो 3/2a, ए वाला आ गया, अब ये आ जाएगा -5/4a। अब बी वाले टर्म्स -1/4b-b+3/5b। अब सी वाले टर्म्स +3/8c-c और कांस्टेंट +5/3+1/5, ठीक है। अब नॉर्मल आप जो फ्रैक्शंस प्लस करते हो वैसे ही करना है, सो इसमें क्या होगा, 4 LCM होगा, यहाँ पे (2)(2)(2), ये देखो ये फिर से ब्रैकेट में माइनस है इसलिए सारी साइंस चेंज हो गई। अब यहाँ पे तो जैसे हम फ्रैक्शंस करते वैसे ही करना है, (2)(2)(2), तो ये होगा मेरा 6a-5a, -(ब्रैकेट) ये क्या हो जाएगा मेरा 20 × 5 × 5 1 × 20 × 20, ये क्या होगा × 4 × 4, सो ये होगा मेरा 5b-20b-12b, प्लस इसमें क्या होगा मेरा 8 × 8 × 8, मतलब 3c-8c, प्लस यहाँ पे होगा 15, सो × 5
इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री, तो मतलब फाइव फाइव ज़ा 25 प्लस 3, ठीक है। अब 6a माइनस 5a क्या होगा, 6a माइनस 5a इज़ a बाई 4 माइनस, ये क्या होगा माइनस 15, माइनस 15 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा ये 20 प्लस माइनस होगा माइनस 5c बाय 8, और ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4 बाय 3। सारे टर्म्स प्लस कर लो, वाई स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 5 प्लस 6 माइनस 4y प्लस वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 5y क्यूब प्लस 6y माइनस 10। अब y क्यूब वाले सारे टर्म साथ में लिख दो, 3y क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 5y क्यूब, स्क्वेयर वाले माइनस 2y स्क्वेयर माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर, y वाले टर्म्स माइनस 7y माइनस 4y प्लस 6y, अब कांस्टेंट टर्म्स प्लस 5 प्लस 6 माइनस 10, तो ये y क्यूब y स्क्वेयर y एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 5 इज माइनस y क्यूब, माइनस 2 माइनस 5 इज माइनस 7, माइनस 7 प्लस 4 इज माइनस 3y स्क्वेयर, माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11 एंड माइनस 11 प्लस 6 इज माइनस y, 5 प्लस 6 इज 11, 11 माइनस 10 इज प्लस 1, दिस इज योर आंसर। सारे टर्म्स को पहले प्लस में लिख दो, 5p क्यूब माइनस 1 बाई 4 पी स्क्वेयर प्लस 2 बाई 3 पी प्लस 2 बाई 5 पी क्यूब प्लस 1 बाई 3 पी स्क्वेयर प्लस 2 बाई 3 पी माइनस 2 बाई 5 माइनस पी क्यूब प्लस 1 बाई 2 पी स्क्वेयर माइनस पी माइनस 3 बाई 5। पी क्यूब पी क्यूब वाले टर्म्स सब साथ में लेके आओ, माइनस पी क्यूब, पी स्क्वेयर वाले माइनस 1 बाई 4 पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 पी स्क्वेयर। अब पी वाले टर्म्स प्लस 2 बाई 3 पी प्लस 2 बाई 3 पी माइनस पी। अब कांस्टेंट टर्म्स देख लो, कांस्टेंट टर्म्स है माइनस 2 बाई 5 माइनस 3 बाई 5, ठीक है। अब ये 5 प्लस 2 बाई 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस 1 पी क्यूब माइनस 1 बाई 4 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, तो पी स्क्वेयर होगा प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 1 पी और माइनस इंटू 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 5, ओके। अब इसमें एलसीएम ले लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो मतलब 25 प्लस 2 माइनस 5 पी क्यूब प्लस, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 थ्री ज़ा 12 3 होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा 3, ठीक है। अब होगा इक्वल्स टू
25 प्लस 2 इज 27, 27 माइनस 5 इज 22 बाय 5, आंसर होगा आपका 22 बाय 5 पी क्यूब प्लस 7 बाय 12 पी स्क्वेयर प्लस 1 बाय 3 पी एंड प्लस 1 फाइव अपन फाइव को हमने क्या डाल दिया प्लस 1 सारे टर्म्स को प्लस कर दो 3 बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 1 बाय 2 एक्स वाई प्लस 7 बाय 2 प्लस मतलब ये तो माइनस ही आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 एक्स वाई माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 बाय 2 एक्स वाई माइनस 3 बाय 2 सो 3 बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाई एक्स स्क्वेयर वाई को कर लो प्लस 3 एक्स स्क्वेयर वाई बाद में कोई नहीं है एक्स स्क्वेयर वाई ठीक है तो ये और ये आ गया माइनस 1 बाय 2 एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस 3 बाय 2 एक्स वाई तो एक ये आ गया उसके बाद एक मिनट ये माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाई है तो ये माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 1 बाय 2 एक्स वाई अब कांस्टेंट 7 बाय 2 माइनस 2 माइनस 3 बाय 2 अब 3 बाय 2 प्लस 3 माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 प्लस 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 एक्स वाई प्लस 7 बाय 2 माइनस 2 माइनस 3 बाय 2 अब यहाँ पे क्या होगा एलसीएम तो 3 प्लस 6 माइनस 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे 1 तो इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 3 माइनस 1 होल अपॉन 2 एक्स वाई प्लस 7 माइनस 4 माइनस 3 ये क्या होगा 9 माइनस 1 क्या होगा 8 8 बाय 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये क्या होगा मेरा 7 माइनस 1 मतलब 4 बाय 2 एक्स वाई प्लस 7 माइनस 4 इज 3 3 माइनस 3 इज 0 ये क्या हो जाएगा मेरा 2 4 जा 8 तो 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये 6 होगा ना हाँ तो 3 एक्स वाई इज योर आंसर 2 एम स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन 12 एम माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 3 एम स्क्वेयर प्लस 2 बाय 3 एम प्लस 1 माइनस 5 एम स्क्वेयर माइनस 1 4 बाय एम प्लस 2 बाय 5 एम स्क्वेयर 2 एम स्क्वेयर प्लस 3 एम स्क्वेयर माइनस 5 एम स्क्वेयर माइनस 5 बाय 12 एम प्लस 2 बाय 3 एम माइनस 1 बाय 4 एम माइनस 7 बाय 5 प्लस 1 प्लस 2 बाय 5 ये क्या हो जाएगा 0 5 प्लस 5 माइनस 5 क्या हो गया 0 अब बचा क्या ये तो इसमें मैक्सिमम क्या आएगा एलसीएम इज योर 12 तो ये इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 सो माइनस 5 प्लस 8 माइनस 3 एम और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5 माइनस 7 प्लस 5 प्लस 2
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो अगेन माइनस फाइव प्लस टू, ये भी ज़ीरो इन टू एम, प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस सेवन प्लस सेवन इज़ ऑल्सो ज़ीरो, हैंज योर आंसर इज़ वॉट, ज़ीरो। ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब प्लस टू ए क्यूब माइनस फाइव ए बी स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी माइनस फोर बी क्यूब। यहाँ पे पहले पावर्स देखो, पावर्स कितने हैं, एक तो क्यूब वाला है, फिर ए स्क्वायर बी है और ए बी स्क्वायर है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं हैं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस फोर बी क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी, ए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, फिर अच्छा टू ए क्यूब नहीं आया है, एक मिनट, ए क्यूब प्लस टू ए क्यूब, उसके बाद है माइनस बी क्यूब माइनस फोर बी क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस फाइव ए बी स्क्वायर। सो वन प्लस टू थ्री ए क्यूब माइनस फाइव बी क्यूब, माइनस टू प्लस थ्री क्या होगा प्लस वन, सो ए स्क्वायर बी थ्री माइनस माइनस टू ए बी स्क्वायर। यहाँ पे y माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस वाई क्यूब प्लस फोर वाई माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस थ्री वाई क्यूब माइनस नाइन वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस एट माइनस नाइन वाई प्लस फाइव वाई क्यूब प्लस सेवन प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर। सो पहले तो वाई क्यूब वाले टर्म्स ले लो, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो माइनस वाई क्यूब प्लस थ्री वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस फाइव वाई क्यूब, ठीक है। अब वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये वाई स्क्वेयर, सो माइनस वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई स्क्वेयर, ओके। अब वाई वाले टर्म्स ले लो, सो वाई 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 और वाई, ये एक बच गया हमारा माइनस फाइव वाई स्क्वेयर माइनस फाइव वाई स्क्वेयर। अब वाई वाले टर्म में प्लस वाई प्लस फोर वाई, बाद में माइनस नाइन वाई माइनस नाइन वाई प्लस सिक्स वाई। अब माइनस फोर ये रहा माइनस फोर, उसके बाद है माइनस एट एंड प्लस सेवन, ठीक है। तो मतलब ये सारा क्या है, वाई क्यूब वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला है सारा, फिर ये सारा वाई वाला है और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें माइनस वन प्लस थ्री टू, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन वाई क्यूब, माइनस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो जाएगा और बचा क्या माइनस फाइव वाई स्क्वेयर। अब वन प्लस फोर क्या है, फाइव, फाइव माइनस नाइन इज माइनस फोर, माइनस फोर माइनस नाइन इज माइनस फोर माइनस नाइन माइनस थर्टीन एंड माइनस थर्टीन प्लस सिक्स इज माइनस सेवन वाई, माइनस एट प्लस सेवन इज माइनस वन, माइनस वन माइनस फोर इज माइनस फाइव, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन थ्री इज एड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर
वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर टू द सम ऑफ टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर। पहले तो ये दोनों को सम करो, जो आंसर आए उसको इसके साथ प्लस करो, ऐड करना है इसीलिए, ठीक है। तो सम पहले फाइंड करो, सो टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आ रहा है फाइव एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, तो ये उसका आंसर आया। क्वेश्चन फोर है, सब्ट्रैक्ट फोर एक्स वाई फ्रॉम दिस माइनस थ्री एक्स वाई। अब फ्रॉम के बाद का जो टर्म है वो पहले आएगा, सब्ट्रैक्ट है मतलब माइनस, और उसके बाद का जो टर्म है वो हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। सो माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई माइनस सेवन एक्स वाई, सो इज योर आंसर। ये वाला है माइनस, यहाँ पे भी माइनस वन बाई सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर फ्रॉम माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सो माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस दिस। तो इसको हम अगर करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन और होल नंबर को जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वैसे करेंगे तो आंसर आएगा माइनस थर्टीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सिक्स। अब यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई फ्रॉम दिस, तो पहले तो एक्स प्लस वाई लिखो माइनस इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स माइनस वाई। अब पता चला मैं क्यों ब्रैकेट करने के लिए बोल रही थी, सो एक्स प्लस वाई माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसका आंसर आएगा टू एक्स प्लस टू वाई। नेक्स्ट फ्रॉम दिस मतलब वाई इंटू थ्री माइनस एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में लिखो वाई माइनस थ्री। पहले तो ये जो अंदर की ब्रैकेट है वो ओपन करो, सो वाई ये भी ओपन कर लो साथ साथ में, सो थ्री वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस थ्री एक्स। ओके, सो थ्री वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस थ्री एक्स, ये क्या होगा थ्री वाई माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स। अब यहाँ पे फाइव पी स्क्वेयर माइनस फोर क्यू प्लस फोर आर प्लस सेवन माइनस माइनस पी स्क्वेयर माइनस थ्री क्यू, सो फाइव पी स्क्वेयर माइनस फोर क्यू प्लस फोर आर प्लस सेवन प्लस पी स्क्वेयर प्लस थ्री क्यू। ब्रैकेट ओपन कर दी, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया यहाँ पे भी प्लस। अब पी स्क्वेयर ले लो साथ में, पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस फोर क्यू प्लस थ्री क्यू प्लस फोर आर प्लस सेवन, सिक्स पी स्क्वेयर माइनस क्यू प्लस फोर आर प्लस सेवन इज योर आंसर। फ्रॉम दिस मतलब ये पहले आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो कैंसिल हो गया, ये क्यों वन माइनस वन क्या है ज़ीरो, सो टू ए बी प्लस टू ए बी विच गिव्स यू व्हाट फोर ए बी एंड इज योर आंसर। सो वन बाई टू जेड स्क्वायर प्लस वन बाई टू वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री प्लस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई टू वाई स्क्वायर प्लस सेवन बाई टू जेड स्क्वायर। सबकी साइन चेंज हो जाएगी, वन बाई टू जेड स्क्वायर प्लस वन बाई टू वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू जेड स्क्वायर। सो पहले तो एक्स स्क्वायर का लेके आओ वन बाई टू एक्स स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर साथ में लेके आओ, सो प्लस वन बाई टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वन बाई टू जेड स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू जेड स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री, ये क्या होगा वन बाई टू, ये टू वन माइनस थ्री और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू ये वाई स्क्वायर प्लस वन बाई टू माइनस सेवन बाई टू ये जेड स्क्वायर और ये माइनस वन बाई थ्री रहेगा, ये माइनस टू बाई टू एक्स स्क्वायर
प्लस माइनस फोर बाई टू वाई स्क्वेयर प्लस माइनस सिक्स बाई टू जेड स्क्वेयर माइनस वन बाई थ्री। तो ये टू अपन टू क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर माइनस थ्री जेड स्क्वेयर माइनस वन बाई थ्री इज योर आंसर। ओके, अब होगा ए क्यूब प्लस अपॉन टू प्लस फाइव माइनस ए प्लस टू ए स्क्वेयर माइनस थ्री प्लस फोर बाई थ्री ए क्यूब प्लस टू बाई फाइव ए माइनस थ्री ए स्क्वेयर। सो ए क्यूब बाई टू प्लस फाइव माइनस ए प्लस टू ए स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस फोर बाई थ्री ए क्यूब माइनस टू बाई फाइव ए प्लस थ्री ए स्क्वेयर। अब ए क्यूब वाले टर्म्स साथ में लेके आओ। सो ए क्यूब बाई टू माइनस फोर बाई थ्री ए क्यूब, ए स्क्वेयर वाले टर्म साथ में लेके आओ प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस थ्री ए स्क्वेयर। अब ए वाले टर्म साथ में लेके आओ माइनस ए माइनस टू बाई फाइव ए और कॉन्स्टेंट माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री। इसमें तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा। सो इट इज़ थ्री ए क्यूब माइनस एट ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस फाइव माइनस फाइव ए माइनस टू ए प्लस टू। तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई सिक्स ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वेयर, फिर होगा माइनस सेवन बाई फाइव ए प्लस टू। सब्ट्रैक्ट ए रेस टू फोर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस सिक्स ए माइनस थ्री फ्रॉम द सम ऑफ सेवन प्लस सिक्स ए रेस टू फोर माइनस फोर ए माइनस सेवन ए क्यूब एंड माइनस ए रेस टू फोर प्लस ए माइनस थ्री। मतलब इसका पहले सम फाइंड करो और फिर जो आंसर आए उसमें से ये माइनस करो। ठीक है, क्या बोला था मैंने, फ्रॉम के बाद जो हो वो पहले आएगा और फिर बाद में ये आएगा। ओके, तो पहले तो सम फाइंड करो। सम किसका फाइंड करोगे, ये दोनों का। तो सेवन प्लस सिक्स ए रेस टू फोर माइनस फोर ए माइनस सेवन ए क्यूब माइनस ए रेस टू फोर प्लस ए माइनस थ्री। अगेन मैंने ये ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सम करना है, प्लस करना है। सो कोई साइंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले तो ये ए रेस टू फोर ए रेस टू फोर कर लो, तो फाइव ए रेस टू फोर ए क्यूब कर लो, सो माइनस सेवन ए क्यूब ए कर लो, माइनस फोर प्लस वन क्या होगा, माइनस थ्री ए। ठीक है, और सेवन माइनस थ्री क्या होगा, प्लस फोर। ओके, अब क्या बोला है कि फ्रॉम दिस, सो फाइव ए रेस टू फोर माइनस सेवन ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस फोर माइनस इंटू ब्रैकेट ए रेस टू फोर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वेयर प्लस सिक्स ए माइनस थ्री। ठीक है, अब देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसीलिए, क्योंकि सारी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सारी साइंस चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी में क्या होता है, कई बच्चे इसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं और फिर पता नहीं होता है हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें आंसर्स पता नहीं होता है। टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो पीछे आंसर्स चेक करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे सम्स क्या होता है, ऑलवेज़ वन शॉट में आंसर आना चाहिए इसके। अब फाइव ए रेस टू फोर माइनस फाइव माइनस वन क्या होगा, फोर ए रेस टू फोर माइनस सेवन माइनस एट ए क्यूब ए स्क्वायर, देखो क्या है, एक ही है, माइनस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस सिक्स ए माइनस नाइन ए प्लस फोर प्लस थ्री इज प्लस सेवन इज योर आंसर। नेक्स्ट सम, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। मतलब पहले सम समझो कि मैं ये नंबर पे इस पे मैं क्या ऐड करूँगा या करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, उसका मतलब ये मेरा क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है,
तो अगर ये 2 है ये 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर 2 में कौन सा नंबर ऐड करूँगी तो मुझे नंबर 5 मिलेगा। तो मुझे कैसे मिलेगा, मैं 5 माइनस 2 करूँगी तो मुझे मिलेगा, राइट। सो मैं क्या करूँगी, ये बड़ा नंबर है उसको माइनस मैं इससे कर लूँगी। सो 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस इनटू ब्रैकेट, अगेन मैंने इसमें ब्रैकेट डाला है क्योंकि साइन चेंज होगी। मैं हर बार हर स्टेप में ये बोलूँगी ताकि आप लोगों को ये क्या याद ही रह जाए, इसमें कोई मिस्टेक ही ना हो। 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस, सारी साइंस चेंज हो जाएगी, ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। माइनस 3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, ये लाइक टर्म्स है। सो माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इज योर आंसर। हाउ मच इज ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वेयर लेस देन 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस ab। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं कि ये टर्म से कितना कम है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 लेती हूँ, इसको मैं 5 लेती हूँ, तो ये 2 कितना 5 से कम है, कितने टाइम्स कम है, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अगेन दिस माइनस दिस, सो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर। प्लीज़ बोर मत हो जाना, ये माइनस मैंने क्यों लगाया है, ताकि साइन चेंज हो जाए। सो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 6b स्क्वायर। और ए बी 1 प्लस 2 क्या होगा, 3 प्लस 3 ए बी इज योर आंसर। वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, मतलब ये नंबर में से कितना मैं माइनस करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। तो सिंपल अगर मैं ले लेती हूँ सपोज 2, वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मतलब 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये जो है वो सपोज 5 ले लो, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, राइट। सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस माइनस 11x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अच्छा मैंने दो बार लिख दिया 6x स्क्वायर, ठीक है, एक बार कर दिया। अब एक्स क्यूब, क्यों मैंने ब्रैकेट लगाया, ताकि साइन चेंज हो जाए। प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। एक्स क्यूब 1 प्लस 11 क्या होगा, 12x क्यूब। 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 मतलब प्लस 3x एंड प्लस 2 माइनस 9 इज माइनस 7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंप्लीफाई करना है, सो a प्लस बी, इसकी ब्रैकेट ओपन, 1/2 को अंदर लेके जाओ और बाद में ब्रैकेट ओपन करो। सो 1/2 इंटू 2 प्लस ए इंटू 1/2 माइनस 2b इंटू 1/2, ठीक है। a प्लस बी माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल, तो इसकी जगह पे क्या आया, 1 प्लस ए बाई 2 माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो b क्यों कैंसिल हो गया, 2 वन ज़ा 2 इसी। सो अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 1 माइनस ए प्लस बी, ए बाई 2 प्लस बी, ओके। अब a माइनस ए बाई 2 प्लस बी माइनस 1, सो ये क्या होगा, 2a माइनस ए होल अपॉन 2 प्लस 2b माइनस 1, तो ये क्या हुआ मेरा, a बाई 2 प्लस 2b माइनस 1 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप सबको पता चल गया होगा कि मैं माइनस साइन और ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों कर रही थी, ठीक है। चलिए पहले क्या करेंगे, ऑलवेज जब ऐसा सम होना तो पहले अंदर की ब्रैकेट खोलो, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट को
कैरी करके आओ नीचे जब तक अंदर का सॉल्व ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, अंदर की ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन साइन चेंज माइनस, ब्रैकेट ओपन साइन चेंज। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ओपन करिए, 5c माइनस ए माइनस टू बी माइनस थ्री ए प्लस बी माइनस टू सी। ओके, सो 5 माइनस टू इज 3c, माइनस वन माइनस थ्री इज माइनस फोर ए, माइनस टू बी प्लस बी इज माइनस बी। एक्चुअली ऐसे आंसर्स को ऑलवेज ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे x एस टू फोर का पहला आएगा टर्म, उसके बाद x क्यूब आता है, उसके बाद x स्क्वेयर आता है। तो ऐसे जब ऐसे वेरिएबल्स होते हैं तो पहले हम a को लिखते हैं, फिर बाद में b को लिखते हैं और फिर हम c को लिखते हैं। चलिए अब इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो 5y स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस है तो क्या साइन चेंज होगी, नहीं होगी। सो प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 6xy, यहाँ पे भी साइन चेंज नहीं होगी। सो प्लस 5xy प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। तो पहले हम एक्स स्क्वेयर का करते हैं, माइनस 4x स्क्वेयर पे लिख डालते हैं, बहुत टर्म्स है, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हम y स्क्वेयर का लिखते हैं, प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर, मतलब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बहुत प्रैक्टिस होने के बाद ये सर्कल है ना, आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई ये आ गया टर्म। ठीक है, अब प्लस एक्स वाई माइनस 6xy प्लस 5xy, मतलब सारे टर्म्स आ गए, मैं कोई भी टर्म भूली नहीं हूँ। माइनस 4 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 7, माइनस 7 प्लस 7 क्या होगा, 0। 5 प्लस 4 क्या होगा, 9, 9 माइनस 9 क्या होगा, 0। 1 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 5, और माइनस 5 प्लस 5 क्या होगा, 0। हैंस योर आंसर इज व्हाट, 0। बच्चों आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको ये टेक्स्ट बुक में से कोई भी एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो कि मैं उसका वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में कीजिए। जैसे ये वीडियो मैंने भी एक रिक्वेस्ट से ही बनाया है, और ये वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।